सभी मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, अभिवादन और अभिनंदन। लगातार हर बार कमेंट में ये आ रहा है कि बीकानेर से लालगढ़ से इसकी तरफ इलेक्ट्रिक कर्षण और लालगढ़ से गंगानगर तक, लालगढ़ से बठिंडा की तरफ बिजली की गाड़ियां कब दौड़ेंगी। और हमने डीसीएम महोदय से पूछा था तो उन्होंने 3 से 4 महीने बताए थे। अभी हाल फिलहाल उनसे फिर बात हुई है तो उनसे जो हमें इनपुट मिला है, जो हमारे को अधिकृत सूचना मिली, वो इस प्रकार से है कि बीकानेर मंडल के रेल मार्ग पूरी तरह से विद्युतीकृत हो चुके हैं। बीकानेर मंडल के स्वरूपसर अनूपगढ़ के 65 किलोमीटर रेल मार्ग के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है। इसके साथ ही बीकानेर मंडल के 1780 रूट किलोमीटर वाले रेल मार्गों का भी पूरी तरह विद्युतीकरण हो गया है। बीकानेर मंडल के लूणकरणसर, लालगढ़, कोलायत, चक महाराज का वे कल्याणकोट ट्रैक्शन सब स्टेशन पर भी द्रुत गति से काम जारी है, जिसके पूर्ण होते ही बीकानेर मंडल पर पूर्ण रूप से बिजली का इलेक्ट्रिफिकेशन का कर्षण चालू हो जाएगा, यानी कि सारी गाड़ियां बिजली से चालू हो जाएंगी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में बीकानेर मंडल पर 86 सवारी गाड़ियों व आवश्यकता अनुसार मालगाड़ियों का संचालन बिजली कर्षण पर किया जा रहा है, यानी कि बिजली के इलेक्ट्रिफिकेशन के द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार खंड के सादुलपुर लोहारू हिस्से में बिजली का कर्षण सवारी गाड़ियों का संचालन अक्टूबर 2022 से शुरू हो गया था, जैसे आप सबको ज्ञात है। और जिनको नहीं पता उनको मैं फिर अपडेट दे दूं कि सबसे पहले सादुलपुर लोहारू के बीच बिजली से चलने वाला ट्रैक्शन अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद चूरू से सादुलपुर में दिसंबर 22 से बिजली कर्षण या इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ने लगी थी। बीकानेर चूरू में जुलाई 23 से ये शुरू हो गया था। बीकानेर से दिल्ली के मध्य चलने वाली सवारी गाड़ी एक्सप्रेस गाड़ी 12457 का बिजली कर्षण पर दिनांक 31/8/2023 से संचालन शुरू किया गया था, जिसका कि हमने शानदार सा वीडियो भी डाला था। और वर्तमान में इस खंड में 16 जोड़े यानी कि 16 ट्रेन आना जाना, कुल 32 गाड़ियों की संख्या एक्सप्रेस सवारी गाड़ियों का संचालन बिजली कर्षण पर किया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन से ये पूरी तरह चल रही है। बात करें बीकानेर सूरतगढ़ खंड की तो बीकानेर से सूरतगढ़ खंड में लूणकरणसर व लालगढ़ ट्रैक्शन सब स्टेशन का कार्य प्रगति पर है, यानी कि 2 TSS बन गए, एक तो लूणकरणसर में और एक लालगढ़ के अंदर, दोनों का कार्य बहुत प्रगति पर है और बहुत शानदार हो रहा है, जिसके कमीशन होने पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर गाड़ियों का संचालन पूरी तरह संभव हो जाएगा। इसी प्रकार सूरतगढ़, हनुमानगढ़, बठिंडा खंड में भी बिजली कर्षण से मालगाड़ियों का संचालन ऑलरेडी हो रहा है, क्योंकि अब राजियासर ट्रैक्शन सब स्टेशन चालू हो गया है, यानी कि राजियासर का जो TSS था वो काफ़ी टाइम से काम नहीं करा था, अब ये कम्प्लीटली चालू हो गया, अतः इस खंड में सवारी गाड़ियों के लिए भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लागू किया जा सकता है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में चक महाराज का ट्रैक्शन सब स्टेशन कार्य अभी प्रगति पर है, और नावा ट्रैक्शन सब स्टेशन यानी कि नावा TSS अधिकतम स्वीकृत लोड पर कार्यरत है, अतः इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सीमित स्तर पर लागू किया जा रहा है।
पहले सफर पे चल पड़ी। नावा ट्रैक्शन सब स्टेशन अधिकतम स्वीकृत लोड पर कार्यरत है, अतः इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सीमित स्तर पर लागू किया जा सकता है। मंडल के सभी रेल खंडों पर शीघ्र ही इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनों का संचालन संभव होने वाला है। ये वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उत्तर मध्य पश्चिम रेलवे के 7/8/2024 का अपडेट है। तो बहुत जल्दी संभावना है, 2 महीने में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर सारी जगह रास्ते खुल जाएंगी, गाड़ियाँ सुचारू रूप से संचालित होने लग जाएंगी। और आप सबकी क्वेरी भी मेरे ख्याल से ये वीडियो 2 बार देख लें तो आपके सबके रूट जो है वह इसमें शामिल किए गए। ट्रेन 2250 हाँ, बीकानेर से लालगढ़ और लालगढ़ से जैसलमेर के बीच में अभी इस तरह का कोई अपडेट नहीं है। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और आपकी सभी जिज्ञासा पूरी करेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। WFT5 लालागुड़ा है 2208 हम सवार एक्सप्रेस जो वैग 9 के साथ जा रही है 31800।
ज्यादातर डब्बे 2024 के निर्माण में किए हुए हैं, कपूरथला आरसीएफ कपूरथला के हैं। बारह 372 बीकानेर हावड़ा वाया लखनऊ वीकली एक्सप्रेस रन्स ओनली वेल थर्सडे।